चलो देखते हैं अपन फटाफट से सिग्मा रूल वाला मीम कैसे बना सकते हैं, वो भी अपने फोन से। ऑल दैट ट्रेंड तो काफी पुराना हो चुका है, बट अपन इसको यूज करके ट्रेंडिंग मीम्स तो बना सकते हैं। समझ नहीं आया, बहुत बोले हो यार। चलो बताता हूँ तुझे। तो इसको बनाने के लिए अपन यूज करने वाले काइन मास्टर एप्लीकेशन को। आप सिग्मा रूल की मीम बनाते वक्त एक चीज ध्यान रखना, आपका सारा की सारा मीम जो क्लिप आप सिलेक्ट करोगे उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। जितनी अच्छी क्लिप होगी उतना ही अच्छा मीम लगेगा आपका। आपको एक हिंट दूं, शार्क टैंक अभी काफी हवा में चल रहा है भाई, इस पर मीम बना तो पक्का वायरल होगी। ये सब दोगलापन है। तो मैंने भी वैसे एक क्लिप उठा ली थी जिसमें कि अपने अश्नीर भाई, आपको तो पता ही है, मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे किसी कंटेस्टेंट को, अगर आप देखते होंगे तो उसी को लेकर अपन एक सिग्मा रूल मीम बनाते हैं। एंड तक देखना, आप समझ जाओगे कि अपन ने ये क्लिप क्यों सिलेक्ट की है। क्लिप एड करने के बाद दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिग्मा रूल मीम बनाने के लिए, वो है सिग्मा रूल का साउंड इफेक्ट। ठीक है, ये आपको टेलीग्राम पे मेरे मिल जाएगा बाकी मीम टेम्पलेट्स के साथ ही। अगर आप मीमर हो तो जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर से जा करके मैं उसको ऐड कर लेता हूँ अपने सिग्मा रूल वाले ऑडियो को। फिलहाल के लिए ऑडियो को म्यूट कर दिया मैंने, पहले अपन इफेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले उस पोजीशन को ढूंढ लो जहाँ पर हमको सिग्मा रूल को ऐड करना है, स्टार्ट करना है उस इफेक्ट। अब आपकी क्लिप के हिसाब से वो पोजीशन अलग जगह पर हो सकती है। अब उस पोजीशन को ऐड करने के बाद क्या करना है, आपको एक ऐसा सीन देखना है जहाँ पर कि आपको बेस्ट सूट करे सिग्मा रूल को ऐड करना। तो यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लेफ्ट राइट करके देखी एक पोजीशन, तो ये मिल गया मुझे, ये एक पोज मिल गया जहाँ पर मैं इस फ्रेम को कैप्चर कर लूँगा और इसके ऊपर अपन सिग्मा रूल अपना लगा देंगे। तो इसको कैप्चर करने के लिए क्या करो, इस क्लिप को पहले तो जगह ढूंढ लिया अपन ने, ठीक है, ये जगह मिल गई। सीजर वाला आइकन पर गए और यहाँ पर जाकर कि ये वाला लास्ट वाला ऑप्शन देखो, स्प्लिट एंड इंसर्ट फ्रीज फ्रेम। तो यहाँ पर जो अपन चाहते हैं वो डिजायर्ड रिजल्ट अपने को मिल जाएगा। अब अपने को थोड़ा सा इसमें इफेक्ट एड करने के लिए विगनेट का आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर और दूसरा तरीका भी है, कलर फिल्टर जाकर के ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं उस जगह पर। तो दोनों में से आप ट्राई कर लेना, आपको क्या बेटर लगता है, दोनों करके दिखा देता हूँ। ये रहा ब्लैक एंड व्हाइट वाला इफेक्ट, पर मुझे विगनेट वाला ज़्यादा सही लगा तो मैं उसको यूज़ करूँगा। आपकी मर्जी, आप जो भी यूज़ करना चाहो। अब बारी आती है अपनी थर्ड मेन चीज़ की, जो कि है टेक्स्ट को ऐड करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। तो टेक्स्ट को जाकर ऐड करेंगे, लेयर में से जाकर के टेक्स्ट को अपन ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सिग्मा रूल हैश, कुछ भी नंबर आपके फेवरेट डाल सकते हो। इसका तो मुझे भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, क्या सोच के डालते हैं भाई नंबर, आपको पता तो बताना ज़रूर। तो यहाँ पर जाकर के कोई सा भी फॉन्ट सिलेक्ट कर लो, मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। राइट, अब इसको ऊपर की तरफ अपन प्लेस कर देंगे। तो वैसे तो ये वाइट कलर में मैंने हर जगह देखा है, बट अगर आप चाहो तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। मेरे ख्याल से अगर येलो भी कर दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक और चीज़ भी आप कर सकते हो, यहाँ पर से जा करके आउटलाइन को एनेबल कर दो। वैसे अगर आपको नहीं पता हो तो बता दूँ कि अपने चैनल पर गिव अवे चल रहा है गाइस, अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो ये लिंक है उस वीडियो की, उसमें मैंने बताया कैसे पार्टिसिपेट करना है। जल्दी से जाकर रजिस्टर कर लो, क्या पता आपका लक चल जाए। तो अब जो ये टेक्स्ट था ना, इसी को अपन क्लिक करके यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करके ड्यूप्लीकेट करेंगे। क्यों किया ड्यूप्लीकेट, क्योंकि भाई अपने को नीचे भी टेक्स्ट को ऐड करना था। ठीक है, नीचे क्या रहेगा टेक्स्ट, अपना कैप्शन भाई, जो भी कैप्शन आपको सही लगे सुटेबल सिग्मा रूल वाला। मैंने खुद कॉपी किया था यार किसी का मीम देख के, सॉरी नाम नहीं याद रहा किसका मीम देखा था, बट कॉपी मत करना, आपके हिसाब से बनाना। तो मेरे को बस आपको दिखाना था। अभी क्या करो, इसमें एक इन एनिमेशन भी दोनों में आप लगा दो, फेड वाला, और नीचे वाले टेक्स्ट को आप चेंज कर दो, कोई भी कैप्शन बेस्ट सुटेबल आप लगा दो। इसमें जो मैंने कॉपी किया था वही मैं चिपका रहा हूँ। आपके हिसाब से बेस्ट कैप्शन क्या हो सकता था वो कमेंट में बताना मुझे। अब इसको ना नीचे सेंटर में अच्छे से प्लेस कर दो। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप गाइस नहीं ज्वाइन किया है तो फटाफट ज्वाइन कर लो यार, वहाँ पर ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, चैनल भी, चैनल पर आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे और ग्रुप पर आपको आपके जैसे मीमर्स मिलेंगे जिनके साथ आप मीम आपकी शेयर कर सकते हो और बड़े आपके जैसे लोगों की कम्युनिटी बना सकते हो। ठीक है, तो ज्वाइन करो। तो देखो भाई, इफेक्ट अपना क्रिएट हो चुका है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, इसमें से क्या चीज़ मिसिंग लग रही है बताना। ऑफ कोर्स हम ऑडियो को म्यूट करके छोड़ा है, इसको अनम्यूट भी करना पड़ेगा। अनम्यूट करने से पहले उसकी सही पोजीशन आपको बता दूं, कैसे आप सेट करो। सही पोजीशन वहीं से स्टार्ट होना चाहिए जो बीट है ना, जहाँ पर से अपन ने इफेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो स्पाइक्स इस ऑडियो में, तो यहाँ पर से अपने को समझ आ रही है कि ठीक है यहाँ पर से जो मेन ऑडियो है वो स्टार्ट होगा। तो अपन थोड़ा सा अंदाजे से उस जगह पर से उसको ऐड कर लेंगे। ये स्पाइक्स को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो गाइस, ये वही शो करती है कि यहाँ से म्यूजिक बढ़ जाएगा। प्ले करके दिखाता हूँ आपको तो और मजा आएगा। उससे पहले ना, मैंने इस वीडियो का लाइक एम रखा है कुछ 200 लाइक से। सब्सक्राइब करो या ना करो, लाइक एम जरूर पूरा कर दो और अपने ही मीम को मेरे चैनल पर शेयर करके बताओ कैसे मीम बना रहे हो, मैं भी देखता हूँ यार।